Hello friends, welcome to my channel, it's Baby Life. Today we are going to discuss conditionals in English. इसे एक यूजर ने रिक्वेस्ट किया था तो उसके रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ. लेट्स सी फर्स्ट वन, कंडीशनल जीरो. कंडीशनल जीरो होता है, वी यूज कंडीशनल जीरो टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू कॉमा एज अ साइंटिफिक फैक्ट. मतलब जो चीजें हमेशा सही होती हैं या साइंटिफिक फैक्ट होती हैं उसके लिए हम कंडीशनल जीरो यूज करते हैं. इसका स्ट्रक्चर है इफ प्रेजेंट सिंपल क्लॉज एंड कॉमा प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे शी ईट्स एप्पल. एग्जाम्पल, इफ यू पुट वाटर इन द फ्रीजर इट बिकम्स आइस. मतलब अगर आप फ्रीजर में वाटर रखते हैं तो वो आइस बन जाता है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर बिकम्स आइस इफ यू पुट इट इन द फ्रीजर. मतलब अगर आप फ्रीजर में पानी रखते हैं तो वो आइस बन जाता है. इसमें दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में हैं. इफ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट. अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाते हैं. इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स. अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वो उबलता है. इफ आई वर्क टू मच आई गेट टायर्ड. अगर मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ. तो ऐसी बातें जो वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से सही होती हैं उसे हम जीरो कंडीशनल में डालते हैं. ओके, द नेक्स्ट कंडीशनल वी हैव इज फर्स्ट कंडीशनल और कंडीशनल वन. इसका यूसेज है, वी यूज द फर्स्ट कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर. लाइक फ्यूचर की या प्रेजेंट की संभावनाओं के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज करते हैं. जैसे इसका स्ट्रक्चर है, इफ सिंपल प्रेजेंट, जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा. इसमें सब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर में होता है सब्जेक्ट प्लस विल या विल नॉट, उसको वॉन्ट भी बोलते हैं, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म. ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट होता है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको कोई और सेंटेंस चाहिए कंप्लीट करने के लिए. और जो कॉमा के बाद वाला यूज होता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसे कोई और सेंटेंस नहीं चाहिए कंप्लीट होने के लिए. इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो देयर. अगर बारिश होती है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा. तो फर्स्ट वाला है सिंपल में इफ इट रेन्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई विल नॉट गो देयर ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस. आई विल नॉट गो देयर. इफ इट सनी वी विल नॉट गो टू द पार्क. अगर मतलब धूप निकलती है तो हम पार्क नहीं जाएंगे. इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम्स. अगर आप कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो आप एग्जाम पास कर लोगे. और ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड. इफ आई वेक अप लेट आई विल मिस द स्कूल बस. अगर मैं लेट उठता हूं तो मेरी स्कूल बस मिस हो जाएगी. तो आप इसका यू समझ गए होंगे फर्स्ट कंडीशनल का. इसमें स्ट्रक्चर होगा इफ प्रेजेंट सिंपल कॉमा फ्यूचर सिंपल विल और विल नॉट मींस अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा. इसको इस तरीके से आप डेली सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशनल. सेकंड कंडीशनल का यूज है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. मींस वर्तमान काल की और भविष्य की कल्पनाओं के बारे में बात करने के लिए हम सेकंड कंडीशनल का यूज करेंगे. इसका स्ट्रक्चर है इफ पास्ट सिंपल कॉमा प्रेजेंट कंडीशनल. और प्रेजेंट पास्ट सिंपल में अगर टू बी फॉर्म होता है तो हम वर्ब यूज करेंगे. प्रेजेंट कंडीशनल होता है वुड और वुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मतलब ये उनकी कंडीशन होगी. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी. अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं गरीबी खत्म कर देता. इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड रिड्यूस टैक्सेस.
अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं टैक्स कम कर देता. इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट एवर. अगर मैं तुम होता या मीन्स तुम्हारी जगह होता तो मैं आई वुडंट डू दैट एवर, तो मैं वो कभी नहीं करता. इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड ट्रेवल टू पेरिस. अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं पेरिस जाता. इफ वी हैड मोर टाइम वी वुड स्टे लॉन्गर. अगर हमारे पास और टाइम समय होता तो हम और ज्यादा रुकते. इसमें आपने देखा सारे सेंटेंस जो स्टार्टिंग में वो पास्ट सिंपल में है और सेकंड जो है प्रेजेंट कंडीशन में है. इसमें पर्सन यहाँ पे इमेजिन कर रहा है कि मेरे पास अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता. अब थर्ड कंडीशनल देखते हैं. थर्ड कंडीशनल का यूज होता है, वी यूज थर्ड कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट में होगा हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंडीशनल में होगा वुड और वुड नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनसे आपको ये इजिली समझ आ जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी हैड स्टडीड हार्ड लास्ट वीक शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम. मतलब अगर उसने पिछले हफ्ते कड़ी मेहनत से पढ़ाई की होती तो वो परीक्षा पास कर लेती. मतलब उसने पास्ट में ऐसा किया नहीं इसलिए वो फेल हो गई. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई हैडन्ट बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी. अगर मैं बीमार ना होता तो मैं पार्टी में जाता. तो आप एक अलग ही अतीत के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो आप ऐसा करते, लेकिन आप बीमार थे इसलिए आप पार्टी में नहीं गए. द पर्सन इज इमेजिनिंग अ डिफरेंट पास्ट, इमेजिनरी पास्ट दैट डिडंट हैपन इन द पास्ट. मतलब काल्पनिक जो अतीत था जो पास्ट में हुआ ही नहीं, तो आप उसकी कल्पना कर रहे हैं. ओके, आई होप आपको ये लेसन पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट ग्रामर वीडियो विल बी ऑन मेक गेट लेट हेल्प और हैव के ऊपर होगा. कॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं इनको. ओके, थैंक यू.